रात के 11 बजे जो भीड़ है इधर कर्जत में, तो सुबह के 11 बजे भी इतनी नहीं होती। लोग जॉगिंग कर रहे हैं रात को 1:30 बजे। वाओ, ये भी होता है। फ्रेंड्स, बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, काउंटिंग किलोमीटर्स की तरफ से आप सभी को रमज़ान ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट की होगी अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोगों ने की। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर, वी इन्वाइट यू टू जॉइन आर जर्नी कॉल्ड ट्रैवल लाइफ। यू कैन डू दैट बाय सिंपली क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेसिंग द बेल आइकन, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोज। और अगर आपको रियल टाइम कनेक्टेड रहना है तो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो, द हैंडल्स आर फ्लैशिंग राइट हियर। बाय द वे, द डेट इज 5th of June 2019। और कल शाम रमज़ान ईद सेलिब्रेट करने के लिए हम सब दोस्त पहुँचे थे एक ऐसी जगह जो शायद रमज़ान के महीने में मुंबई की सबसे हैपनिंग जगह है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड। वहाँ पे रात को 9:30 बजे से शायद रात को 1 बजे तक हम लोग थे। फिर उसके बाद मुंबई में अलग अलग जगहों पे घूमे। इट वॉज ऑल फन, बहुत मज़ा आया। और जो फूड टेस्ट करने मिला है उसका तो जवाब ही नहीं है। सो गाइस, टुडेज वीडियो इज़ नॉट अबाउट अ ट्रैवल एक्सपीरियंस, बट इट्स अबाउट फूड एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स उसमें ट्रैवल भी है, मुंबई की नाइट लाइफ और अलग अलग प्लेसेस जो मुंबई में आपने बहुत बार सुना होगा, मरीन ड्राइव, CST, वो रात में कैसे दिखते हैं वो भी आपको देखने मिलेंगे। बट द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज सेलिब्रेशन ऑफ ईद, और मेरे लिए तो सेलिब्रेशन का मतलब है बहुत सारा खाना। तो ये तो बस सिर्फ शुरुआत है। पहली ही जगह पे शालीमार होटल, और क्या ऑर्डर दिया है, चिकन रोल्स, चिकन स्प्रिंग रोल, शॉर्मा और दही वड़ा। और ये तो सिर्फ एक टेबल का ऑर्डर है, और भी लोग हैं। ऑर्डर क्या है? तो मैंने चिकन शॉर्मा, चिकन नगेट्स और 2 प्लेट मालपुआ ऑर्डर किया। 2 प्लेट मालपुआ कौन खाएगा? मैं खाऊंगा अकेले। अच्छा, फिर और एक टेबल है। सो अभी सिर्फ 10 बज रहे हैं और प्लान है रात को 1-2 बजे तक यहाँ रुकने का। बहुत कुछ और खाना है और बहुत कुछ प्लेसेस भी देखना है। भाई देखो, सबने चिकन रोल और ये सब ऑर्डर किया, और एक सिर्फ दही वड़ा का ऑर्डर है, और वो है शर्मा गई। रात के 11 बजे जो भीड़ है इधर कर्जत में, तो सुबह के 11 बजे भी इतनी नहीं होती। यार चिकन तंदूरी अफगानी लेक व्हाइट क्रीम। रमजान स्पेशल Thank you.
अभी और किधर जाना है, क्या खाना है? अभी सीधा हम गेटवे ऑफ इंडिया चलेंगे और बाबा फालूदा का फालूदा खाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया यार, वहाँ से होके जाएंगे ना। ए ह्या शिवमला ना कुठे ही नाही जण आहे, ट्रेकला घेऊन गेलो तिथे रस्ता चुकवला, आता मुंबई मध्ये सगळीकडे रस्ते चुकीचे मला सांगतो। इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द नाईट और रात को 1 बजे भी मुंबई अभी तक सोई नहीं है। वैसे मुंबई कभी नहीं सोती, लेकिन ये हमारे लोग तो सो गए मुंबई में आके, मुंबई के नाम पे कलंक है ये लोग। एंड राइट नाउ वी आर एट वन ऑफ द आइकॉनिक प्लेसेस इन मुंबई, दिस इज एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। दिस लाइब्रेरी इज एग्जिस्टिंग हियर सिंस 1804, यू कैन सी ओवर देयर। ऑलमोस्ट 1804 मतलब 200 साल से ज़्यादा ना, 217 साल। दिस बिल्डिंग इज 217 ईयर्स ओल्ड, कैन यू बिलीव इट। वैसे तो बहुत से मूवीज में आपने देखा होगा इसको। किसका? ब्रिटिश का दिया हुआ सबसे बेस्ट तोहफा है, दुनिया की सारी बुक्स अंदर पड़ी हुई है। जो हाँ। का नाम लोगे, जो ग्रंथ का नाम लोगे, वो सारी बुक्स अंदर। अभी रात को 1 बजे अंदर नहीं छोड़ेंगे ना। दिस इज अनदर हिस्टोरिक लैंडमार्क इन मुंबई, दिस फ्लोरा फाउंटेन। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेसेस एंड this was built in memories of those who sacrificed their lives in Maharashtra Mukti Sangram. These all places are like next to each other, Gateway of India, Flora Fountain, CST, GPO, Marine Lines, like har ek dusre se 1-1 kilometer ke distance mein hai. And this is the real identity of Mumbai. Raat ke 1:30 baj rahe hain and it's totally full. लोग जॉगिंग कर रहे हैं रात को 1:30 बजे, वाओ, ये भी होता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस, मरीन ड्राइव। एक तरफ समुंदर और दूसरी तरफ मुंबई की खूबसूरत स्काईलाइन। जस्ट हैव अ लुक। और रात को 1:30 बजे यहाँ पे क्राउड देखो। इस प्लेस के बारे में कुछ कहूँ या आप ऑलरेडी समझ गए? दिस इज द बेस्ट रेलवे स्टेशन इन द एंटायर कंट्री। आई डोंट थिंक आई एम एग्जैग्यूरेटिंग। लुक एट द ग्लोरी एंड लुक एट द ट्रैफिक, लुक एट द क्राउड, लुक एट द मूवमेंट। Let me tell you, it's 2 o'clock in the night. यहाँ पे तो पूरी रात रुक सकते हैं, फोटोज लेते रहेंगे। But then सुबह उठ के लोगों को ऑफिस जाना है, so we've decided to skip the Mahim part और अब यहीं से निकलेंगे वापस। ये हमारे काउंटिंग किलोमीटर्स, प्लेट काउंटिंग किलोमीटर्स, स्लीपिंग किलोमीटर्स। करेंटली शी इज स्लीपिंग। बहुत गालियां पड़ने वाली है जब ये व्लॉग में जाएगा ये फेस। सो गाइस, हाउ वाज इट? आई नो देयर आर मेनी मोर प्लेसेस इन मुंबई जो देखने चाहिए, जो देखने चाहिए थे। ऑफ कोर्स मैंने देखे भी है लेकिन इस व्लॉग में कवर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग थे, हेरम था, शिवम था, अरुण था, किसी को भी ईद की छुट्टी नहीं थी। तो रात को 1:30-2 बजे हमें मजबूरन निकलना पड़ा मुंबई से, बिकॉज मॉर्निंग दे हैड टू रीच ऑफिस अगेन। और बाय द वे, गालियाँ खाने का सिलसिला अभी चालू नहीं हुआ है, बट आई एम कम्पेंसेटिंग बिफोर हैंड। मुझे पता है जो प्रियंका का फेस दिखाया था व्लॉग में, उसके लिए गालियाँ पड़ने वाली है। सो पहले ही उसको सर पर बिठा रखा है। शी ऑलवेज स्टेज देयर बाय द वे। Anyways, if you like this video, don't forget to hit the like button and share this video with your friends and family. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी कीप पोस्टिंग ट्रैवल एंड एक्सपीरियंसेस वीडियोज़ ओवर हियर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, दैट इज संडे 2 PM विद सम न्यू ट्रैवल एक्सपीरियंस, न्यू डेस्टिनेशन और समथिंग न्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।